दोस्तों, दुनिया के सभी लोग अपने अपने आर्मी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि किसी भी देश के प्रोग्रेस और डिफेंस में आर्मी बहुत अहम रोल अदा करती है। यही वजह है कि आर्मी ऑफिसर्स के पास गलती की गुंजाइश बेहद कम होती है, मगर वो भी एक इंसान है और इंसान गलती का पुतला होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आर्मी वाले से होने वाली कुछ फनी मिस्टेक दिखाएंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी दबाना ना भूले। दोस्तों, आर्मी का सिपाही हो या ऑफिसर, दोनों को ट्रेनिंग के कठिन और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें वार जैसी सिचुएशन देकर तैयार किया जाता है। ऑफिसर की ट्रेनिंग का एक हिस्सा कई हजार फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाना होता है, ताकि अगर जंग के दौरान दुश्मन के इलाके में जमीनी रास्ते से पहुँचना मुश्किल हो तो इन्हें इस तरीके से दुश्मन के इलाके में उतारा जा सके। ऐसी ही एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हवाई जहाज से तमाम ऑफिसर्स एक एक करके छलांग लगा रहे थे और ये नजारा देखते ही बनता था। लेकिन ये लम्हा तब यादगार बन गया जब इनमें से एक ऑफिसर का पैराशूट हवाई जहाज के साथ फंस गया और वो काफी देर तक हवाई जहाज में हवा में लटकता रहा। लेकिन आप देखिए कि इस दौरान किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि इन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर होते हैं कि आपको अपनी मुश्किल खुद से ही हल करनी है। दोस्तों, आर्मी परेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है जिसमें किसी भी आर्मी को अपनी ताकत और अपना डिसिप्लिन दिखाना होता है। इसलिए पब्लिक परेड के लिए फौजी काफी देर तक ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद परेड के दौरान अक्सर कुछ ऐसी फनी मिस्टेक्स हो जाती है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसा कि ये मास्टर जो सीना ताने अपनी नजर परेड पर रखकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका दुश्मन दरअसल कहीं और से पैदा हो रहा है और इस शैतान दुश्मन ने भी ऐसा हमला किया कि उनके पास शर्मिंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। और दोस्तों, ये शर्मिंदगी तो कुछ भी नहीं थी, जरा इनको देखिए कि जो पब्लिक परेड के दौरान अपने जनरल की मौजूदगी में अपनी ताकत और अपनी महारत दिखाने में नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मगर इन बेचारों से एक मट्टी का गमला भी नहीं टूट रहा। सब बारी बारी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मगर सभी नाकाम रहे। दोस्तों, ये ना सिर्फ इनके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बल्कि आर्मी जनरल तक शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और गुस्से से पहलू बदल रहे थे। अब पता नहीं कि परेड के बाद इनका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, फाइटर पायलट्स को भी ऐसी ही ट्रेनिंग के कठिन दौर से गुजारा जाता है और ट्रेनिंग के एक मुश्किल स्टेज जी फोर्स टेस्ट कहलाती है। और इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि पायलट का जिस्म ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। दरअसल फाइटर जेट को जब एक खास एंगल पर मोड़ा जाता है तो जी फोर्स की वजह से आपके दिमाग को ब्लड सप्लाई रुक जाता है और आपका खून आपकी टांगों की तरफ आ जाता है। इसके बाद आपको कम नजर आना शुरू हो जाता है और अगर जी फोर्स का इफेक्ट आपके शरीर पर ज्यादा हो तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। और जरा देखिए कि इस पायलट ऑफिसर का जी फोर्स टेस्ट में क्या हाल हुआ। और दोस्तों, आर्मी की अगली मिस्टेक देखिए कि एक पूरे फौजी हाथ में खतरनाक गन्स लेकर फायरिंग के लिए तैयार खड़े हैं। नियम के मुताबिक वो अपने गन्स थाई पर प्लेस करते हैं, मगर इस दौरान पिछली कतार में खड़े एक स्टूपिड सोल्जर की गन चल पड़ती है और उसकी गोली सीधा अगली कतार में खड़े एक शख्स की टोपी पर जाकर लगती है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक समय के लिए इस बंदे की जान निकली नहीं गई होगी, मगर वो बेचारा डिसिप्लिन का मारा पीछे मुड़कर उसे गुस्से से कुछ बोल भी नहीं सकता और उसी तरह ड्रिल करता रहता है। और दोस्तों, आर्मी ट्रेनिंग की अगली वीडियो भी कुछ कम फनी नहीं है। ये सोल्जर वेपन्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और फायरिंग के दौरान एक सोल्जर की बुलेट का शेल दूसरे सोल्जर के शर्ट के अंदर गिर जाता है। अब आपको पता है कि फायरिंग के तुरंत बाद बुलेट किस कदर गर्म होती है, तो वो बुलेट शेल शर्ट में घुसने के बाद क्या क्या जगह जलाता गया, जरा खुद ही देखिए।
और दोस्तों वेपन ट्रेनिंग का एक हिस्सा सोल्जर को बॉम्ब फेंकने का सिखाना होता है। मगर बॉम्ब ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसी फनी मिस्टेक्स होती है कि इन्हें देखकर हमारे पेट में भी हंस हंसकर दर्द होता है और इनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो जरा एक नज़र ये भी देखते जाइए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।